गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो साइंस में चल रहा था फिजिक्स में, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स की ओर चल रहा है। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे फॉर्मूले, और फॉर्मूले में जो जो सिम्बल्स यूज हुए थे उन सभी को आपने पहचान लिया होगा, ठीक है ना। फिर न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आवश्यकता ये है, अभी तक जिन्होंने फॉर्मूले याद ना करें वो पहले फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूले में जो सिम्बल्स हैं उनका नाम याद रखें, ठीक है ना, तभी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ सकते हैं। तो जिन्होंने ऐसा नहीं किया है पहला वैसा कर लेंगे और फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बिना किसी भूमिका के। 200 माइक्रो कूलम चार्ज पासिस थ्रू ए वायर। तो कितना चार्ज पास हो रहा है किसी वायर से? 200 माइक्रो कूलम, यानी चार्ज दे रखा है, क्योंकि क्योंकि वैल्यू दे रखी है। और कितनी मिली सेकेंड में पास हो रहा है? इन 1.0 मिली सेकेंड। ये टाइम दे रखा है टी, ये यानी क्यू दे रखा है, ये टी दे रखा है। सबसे पहली आवश्यकता यही होती है कि आप क्या करते हैं, जो जो वैल्यू दे रखी है आप उन वैल्यूज़ को लिख लें सिंबल्स के फॉर्म में, और फिर जो फाइंड करना है आप उसे लिख लें। तो इससे क्या हो जाता है, फिर पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इन द वायर। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? करंट की, एवरेज करंट की। तो आप एक रिलेशन पहले देखो, सोल्व हुआ है आपके सामने क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था आपका, क्यों कितना दे रखा है? 200 माइक्रो कूलम। तो देखो, माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो कूलम, माइक्रो का मीन्स होता है 10^-6। तो माइक्रो कूलम को आपको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10^-6 से। तो 200 × 10^-6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 × 10^-4, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे आप। कूलम, माइक्रो कूलम किस में बदल गया? कूलम में। चाहे तो आप सीखो कूलम पूरा लिख सकते हैं, COULOMB। देखो टाइम दे रखा था 1 मिली सेकेंड, तो मिली को एम से डिनोट करते हैं, मिली का मीन्स होता है 10^-3। तो 1 मिली सेकेंड क्या हो जाएगा? 10^-3 सेकेंड हो जाएगा। यानी कहीं भी माइक्रो हो तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं भी मिली हो तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई की 10^-3 से। तो टी आपका ये है, क्यू आपका ये है, आपको निकालना है करंट। फॉर्मूला आप जानते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। क्यू की वैल्यू रखो जो ये वाली है, टी की वैल्यू रखो जो ये वाली है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो टी की पावर 10^-3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी। तो 10^-1 बचेगा, -4 + 3 - 1 हो जाएगा, और ये अपॉन में ले आओ 10, तो 2 के अपॉन में 10 है, तो कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। लास्ट में जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में लिखते हैं आंसर। तो आप देख सकते हो, हैंस द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, एवरेज करंट की जो वैल्यू है आई की, वो कितनी हो जाएगी? 0.2 एम्पियर। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.5 एम्पियर करंट, इस बार करंट दे रखा है, यानी आई इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में बहता है। व्हेन 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट्स एंड, जब इसके सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है? 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, ठीक है। यानी V दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से डिनोट कर दें, तो V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट दे रखा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखो आप, I तो दे रखा है 0.5 एम्पियर, V दे रखा है कितना? 2 वोल्ट। R आपको निकालना है, रेजिस्टेंस को आप R से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मैंने लिखवाया था आपको, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो V की वैल्यू रखो आप 2 वोल्ट, अपॉन में क्या है 0.5, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10 आ जाएगा, और 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4। तो R की वैल्यू आपकी कितनी आई? 4 ओम। तो हैंस करके लिखते हैं, हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कैपिटल R कितना है आपका? 4 ओम। ओम को आप इस सिंबल से भी लिख सकते हैं, जिसे ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना। इस सिंबल का नाम ओमेगा है, ग्रीक लेटर है, लेकिन आप ओम को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, इसमें भी करंट दे रखा है, इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू 24 ओम दे रखा है, करंट दे रखा है इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। उसने कहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपिटल वी आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। आई दे रखा है 0.2 एम्पियर, आर दे रखा है 24 एम्पियर, वी आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो वी निकालना है आपको। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है, तो आपको खुद करना है। इसका आंसर क्या आएगा? 4.8 वोल्ट, ठीक है ना। इसे करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, आर इज इक्वल्स टू 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करवा रहा है, यानी वी इज इक्वल्स टू वॉट। व्हेन द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट,
तो करंट कितना बहता है, 0.5 एम्पियर का करंट बहता है, यानी I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, देखो दे रखा है R इज इक्वल्स टू 5 ओम, V आपको निकालना है, I 0.5 एम्पियर है। इसी तरीके से यही फॉर्मूला लगना है ना जो यहाँ पे था, V इज इक्वल्स टू IR ये वाला, तो ये बिल्कुल सेम होगा, इसका आंसर आएगा 2.5 वोल्ट, इसे भी आप कर लेंगे। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है आपको ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस, तीन रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास, यानी पहले को आप R1 मान लो, दूसरे को R2 और तीसरे को R3, तीनों का वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है ईच, माने प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 2 ओम, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक बार तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको तब निकालना है जब भी सीरीज में कनेक्टेड है, एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको तब निकालना है जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, फिर उन दोनों का क्या लेना है, रेशो लेना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, तो देख सकते हो आप, मैंने लिखा हुआ है R1, R2 और R3, तीनों की वैल्यू कितनी है 2 ओम, जैसा कि उसने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको R निकालना है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको R' निकालना है, और आपको मेन क्या निकालना है, आपको मेन निकालना है R/R', यानी दोनों का रेशो, ठीक है। तो देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने बताया था R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो R1, R2 और R3 की तीनों की वैल्यू रखोगे तो R कितना आ जाएगा, 6 ओम। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R पहले मान लिया, इसलिए इसे क्या मान लो R'। R1, R2, R3 की वैल्यू रखो तो 1/2, 1/2, 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पलट दो तो R' आपका कितना आ जाएगा, 2/3। अब आपको रेशो निकालना है R का और R' का, तो R की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हो R' की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 3 9, तो 3 3 9/1, यानी रेशो क्या आ जाएगा आपका, 9:1। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं लगे होंगे और अच्छे समझ में आ जाएंगे, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखो इतने इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही, साथ में 12th क्लास में भी फिर दोबारा ऐसे ही न्यूमेरिकल यही चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस चैप्टर को यदि अब तैयार कर लोगे तो आगे तक आपको बहुत लाभ देगा ये, ठीक है ना, आगे तक भी पीछा नहीं छोड़ता है ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसलिए आप यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स आप 2-4 यदि करके मुझे भेजेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स आप करने की कोशिश करना, बुक आपकी नगीन एडिशन की है तो आप इसे ले लेना जिसके पास ना हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बुक है आपकी, ठीक है ना, कुमार मित्तल नगीन एडिशन, तो ये बुक आप ले लेंगे अच्छे से, ठीक है, नूतन एडिशन भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो यहाँ तक न्यूमेरिकल्स आप कर लेना अच्छे से, और उसके आगे के न्यूमेरिकल्स भी आप ट्राई करने की कोशिश करना। ऑल द वेरी बेस्ट।